सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तो आज हम लोग एक सिंपल सा ट्यूटोरियल सीखेंगे, वो है कैरिकेचर कार्टून इफेक्ट। सिंपल मेथड अप्लाई करके आज हम लोग सीखेंगे तो ये इफेक्ट कैसे करके क्रिएट करना है। तो जो जो फ्रेंड अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, क्योंकि हमारा नया नया ट्यूटोरियल आने वाला है। वीडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, फोटो इफेक्ट, मैनिपुलेशन, बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज़रूर मेरा आपका दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज का ट्यूटोरियल कैरिकेचर कार्टून इफेक्ट शुरू करते हैं एंड ट्यूटोरियल को पूरा देखो, नहीं तो आप लोग समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सो गाइस, देखिए हमारा फोटोशॉप इधर ओपन है। तो ए वाला जो कैरिकेचर इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको एक इमेज चाहिए। देखिए ए वाला इमेज से हम लोग जो कार्टून कैरिकेचर इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले देखिए मेन जो इमेज है, इमेज मैंने ओपन किया, जस्ट लॉक है, मैंने अनलॉक कर लेंगे। देन देखिए हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए देखिए एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने क्रिएट कर लिया कंट्रोल जे करके। देन देखिए क्विक सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्शन किया। इसके बाद देखिए इधर सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन में मैंने जस्ट क्लिक कर दिया। ओके, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देखिए इधर क्विक सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स अप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग एक सॉलिड कलर ले लेंगे, कोई भी कोई कलर देके एक सॉलिड कलर मैंने ले लिया। तो देन हम लोग देखिए इधर जो हेयर है, हेयर को ठीक ठाक इधर हम लोग सिलेक्शन करेंगे। तो इसीलिए जस्ट मार्क्स लेयर मैंने जस्ट क्लिक किया। देन देखिए इधर सिलेक्ट एंड मार्क्स ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो इसके बाद देखिए हम लोग हेयर को ठीक ठाक सिलेक्शन करेंगे ऐसे करके। देखिए ओके, तो देखिए इधर हेयर सिलेक्शन हो गया। देन देखिए रेडियस थोड़ा सा दे देंगे 2 पिक्सल के आसपास एंड देखिए स्मूथ भी थोड़ा सा दे देंगे 3 एंड कॉन्ट्रास्ट 3% देके मैंने ओके किया। ओके, तो इधर सिलेक्शन ठीक ठाक हो गया। तो इसके बाद देखिए जो हेयर है, हेयर के ठीक ठाक कलर करने के लिए जस्ट एक तो न्यू लेयर मैंने जस्ट क्लिक किया एंड देखिए इधर मार्क्स है, मार्क्स को अप्लाई कर लिया। देन देखिए इधर कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करके क्लिप ऐड कर दिया। ओके, तो इसके बाद मैंने ब्रश टूल सिलेक्शन करूँगी। देखिए ये वाला ब्राउन जो हेयर का कलर मैंने डार्क कलर सिलेक्शन कर लिया। देन देखिए ओके, इसके बाद देखिए हम लोग ठीक ठाक हेयर को कलर कर लेंगे। ओके, एंड ब्लेंड मोड चेंज करके हम लोग देखेंगे कौन सा अच्छा लगे। देखिए मल्टीप्लाई ठीक ठाक है। ओके, तो दोनों लेयर को हम लोग मर्ज कर देंगे कंट्रोल ई करके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट के लिए देखिए मैंने जस्ट जो लेयर वाला जो सॉलिड कलर वाला जो लेयर है सिलेक्शन कर लिया। देन क्रॉप टूल सिलेक्शन करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा क्रॉप करेंगे इमेज को, इमेज बैकग्राउंड एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो इसके बाद देखिए मॉडल को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे। ओके, देन देखिए इधर बैकग्राउंड हम लोग सबसे पहले एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। देखिए ऐसे करके हम लोग बैकग्राउंड एडजस्ट कर लिए। देन देखिए मॉडल को हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर। देखिए ऐसे करके एडजस्टमेंट कर लिया। ओके, तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए देखिए जस्ट हम लोग जाएंगे जो एडजस्टमेंट पैनल। देन देखिए इधर ग्रेडियंट कलर सिलेक्शन करेंगे। देन ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट कलर ले लेंगे एंड स्टाइल देखिए इधर रेडियल एंड रिवर्स ऑप्शन में मैंने जस्ट क्लिक कर लिया। देन देखिए स्केल थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे ऐसे करके ओके किया। देन देखिए हम लोग जाएंगे फिर से एडजस्टमेंट पैनल। देन ह्यू एंड सैचुरेशन। ओके, तो ह्यू सैचुरेशन में जाके कलराइज ऑप्शन मैंने चेक कर लिया। तो देखिए ब्लूइश कलर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो ये वाला कलर एडजस्टमेंट कर लिया। ओके, तो बैकग्राउंड हमारा क्रिएट हो गया। देन हम लोग क्या करें, जो मॉडल इमेज इमेज है, इमेज को सिलेक्शन करके जो इधर हेड पार्ट है, हेड पार्ट को अलग सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे लैसो टूल। तो लैसो टूल का देखिए लैसो टूल देके हम लोग ऐसे करके जो ये इधर देखिए नेक को हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे। ऐसे करके मैंने सिलेक्शन कर लिया। ओके, तो इसके बाद कंट्रोल जे करेंगे, देखिए ये अलग कॉपी आ गया। ओके,
तो इसके बाद जस्ट देखिए इधर जो नेक को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ऐसे करके बड़ा करके हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो एडजस्टमेंट हो गया। तो इसके बाद हम लोग जो टॉप लेयर सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन लिक्विफाई। ओके, तो लिक्विफाई बॉक्स आ गया। तो इसके बाद देखिए हम लोग रैप टूल सिलेक्शन करेंगे। रैप टूल सिलेक्शन करने के बाद देखिए इधर हम लोग नेक को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे ऐसे। ओके, देन हम लोग जाएंगे ओके। तो इधर इसके बाद हम लोग देखिए इधर जो नेक को थोड़ा सा इधर एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसीलिए एक मास्क लेयर मैंने क्रिएट कर लिया। ब्रश टूल सिलेक्शन करेंगे, फोरग्राउंड कलर ब्लैक कलर सिलेक्शन करके हम लोग देखिए इधर इरेज करेंगे। ओके, तो देखिए हमारा इधर एडजस्टमेंट हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो इमेज है दोनों लेयर को हम लोग मार्च कर देंगे कंट्रोल ई करके। ओके, तो इसके बाद कंट्रोल जे करके कॉपी कर ले लिया मैंने। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन शार्पन, देन देखिए इधर स्मार्ट शार्पन ऑप्शन में मैंने क्लिक कर लिया। तो थोड़ा सा हम लोग रेडियस ऐड करेंगे, अमाउंट भी थोड़ा सा दे देंगे एंड रिड्यूस नॉइज भी थोड़ा सा दे देंगे। ओके, देन हम लोग ओके करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे जस्ट टॉप लेयर मैंने सिलेक्शन किया, देन हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन इधर देखिए शार्पन एंड अनशार्प मास्क। ओके, तो इधर भी हम लोग थोड़ा सा अमाउंट एंड रेडियस दे देंगे, देन ओके। देखिए इधर अनशार्प मास्क भी अप्लाई हो गया। तो इसके बाद हम लोग कार्टून इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ओके, तो देखिए जस्ट हम लोग एक डुप्लीकेट कॉपी मैंने क्रिएट कर लिया। देन जस्ट टॉप लेयर सिलेक्शन करके हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन लिक्विफाई। ओके, तो लिक्विफाई बॉक्स इधर आ गया। तो इसके बाद देखिए इधर बाय डिफ़ॉल्ट इधर आईज नोज माउथ सेटिंग्स है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो देखिए इधर आईज ऑप्शन में मैंने जस्ट एक ग्रुप को खोला, तो देखिए इधर आई साइज मैंने जस्ट 100 कर दिया, तो ये वाला भी 100 कर लिया। ऐसे करके हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे आई को। ओके, तो आई देखिए इधर एडजस्टमेंट हो गया। देन हम लोग जाएंगे नोज, नोज को भी आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो। देन हम लोग जाएंगे इधर देखिए माउथ, ओके, तो माउथ एडजस्टमेंट हो गया। देन देखिए इधर है फेस शेप। ओके, तो फेस शेप को भी आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, देन हम लोग ओके बटन में क्लिक कर देंगे। ओके, तो इधर देखिए कार्टून इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद हम लोग एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड हम लोग कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई मैंने प्रेस किया, एक मार्च इमेज आ गया। देन हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन कैमरा रॉ फिल्टर। हम लोग थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो इधर देखिए कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा दे देंगे एंड हाईलाइट, ऐसे करके हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे इमेज को। ओके, तो इसके बाद हम लोग फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। देन देखिए कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई मैंने प्रेस किया, एक मार्ज इमेज आ गया। देन हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन शार्पन, देन अनशार्प मास्क। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग रेडियस दे देंगे। देन ओके, तो देखिए इधर इमेज शार्प हो गया। तो इसके बाद हम लोग ऑयल पेंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो विदाउट प्लगइन्स कैसे करके ऑयल पेंट क्रिएट करने होगा, तो वो ट्यूटोरियल हमारा चैनल पे है, हम इधर ऐड कर देंगे एंड इधर कार्ड ऑप्शन में मैंने दे दूंगी और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग दे दूंगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वो प्रोसेस अप्लाई करने के लिए, तो इसीलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो आप लोग जाके हमारा वो ट्यूटोरियल देख के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इसीलिए देखिए जस्ट हम लोग एक कंट्रोल जे करके कॉपी कर लिया एंड फटाफट से हम लोग इधर ऑयल पेंट इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। ओके,
फ्रेंड्स देखिए हमारा इधर ऑयल पेंट इधर आ गया, तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे, ह्यू सैचुरेशन में जाके थोड़ा सा कलर को ऐसे करके एडजस्ट करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम लोग फिर से एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड एक स्नैप इमेज लेंगे। तो कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस ई मैंने प्रेस किया, देन हम लोग जाएंगे इधर फिल्टर, देन कैमरा रॉ फिल्टर। ओके, तो कैमरा रॉ फिल्टर में जाके कलर को थोड़ा सा हम लोग फिर से एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, देन ओके। तो इसके बाद हम लोग देखिए इधर कंट्रोल जे करके कॉपी ले लिया, देन देखिए ब्लेंड मोड चेंज करके लिनर लाइट कर देंगे, देन हम लोग जाएंगे फिल्टर, देन आदर, देन हाइपर। तो थोड़ा सा रेडियस हम लोग दे देंगे 0.7 पिक्सल रख के ओके किया। तो देखिए इधर हमारा जो कार्टून कैरिकेचर इफेक्ट इधर क्रिएट हो गया। सो गाइस, आई होप कि ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आया होगा। तो हमारा ये ट्यूटोरियल आप लोग का पसंद आया तो प्लीज़ एक तो लाइक कीजिएगा, हमको थोड़ा सा मोटिवेट करो और नया नया ट्यूटोरियल आने के देने के लिए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि नया नया ट्यूटोरियल आने वाला है, फोटो एडिटिंग, इलस्ट्रेटर, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारा ट्यूटोरियल आने वाला है। तो और ट्यूटोरियल अच्छा होने से एक तो लाइक कीजिएगा, आपका दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारा साथ में रहो, हमको सपोर्ट करो और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Take care. Bye-bye.